जो होली का उत्सव है उसमें एक सात्विक उपाय आप कर सकते हैं। आप समझ लीजिए कुछ रात्रियां बहुत विशेष हैं, घर में बीमारियां बहुत रहती हैं, होलिका में चंदन की लकड़ी डालनी चाहिए। आजकल जो सबसे बड़ी बीमारी चल रही है, कोई भी घर ऐसा नहीं है जिस घर में व्यक्ति बीमार नहीं है। पहले से नहीं हुआ करता था, पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, क्योंकि पहले हमारे घर के लोग घर के साधारण ही उपाय ऐसे कर लिया करते थे, पर आज का मनुष्य ये उपाय नहीं कर पाता है। तो जिनके घर में बीमारियां बहुत हैं या जिनके शरीर में बीमारियां बहुत लगी हैं, उन लोगों के लिए सात्विक एक त्यौहार जो होली का उत्सव है उसमें एक सात्विक उपाय आप कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। होलिका दहन जो है ये अपने आप में विशेष रात्रि है। आप समझ लीजिए कुछ रात्रियां बहुत विशेष हैं, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, किसी ग्रहण की रात्रि हो, पूर्णिमा की रात्रि हो, ये विशेष रात्रि, अमावस्या की रात्रि हो, ये बहुत विशेष रात्रियां होती हैं। तो जिन लोगों के जीवन में घर में बीमारियां बहुत रहती हैं, उन लोगों को ये उपाय अवश्य करना चाहिए। जिस समय होलिका का दहन हुआ हो, होली की अग्नि, होलिका की अग्नि जिसकी लपटें ऊंची ऊंची उठी हुई हो, उस समय होलिका के पास जाना चाहिए। होलिका में चंदन की लकड़ी डालनी चाहिए। अभी ताली नहीं बजाएं, सिर्फ सुने। चंदन की लकड़ी होलिका में डालकर होलिका की परिक्रमा करके अपनी बीमारी और अपने घर वालों की बीमारी के विषय में प्रार्थना करनी चाहिए। और ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे घर से बीमारियां दूर हों, आप ऐसी कृपा करें। वहां खड़े होकर प्रार्थना करें होलिका मैया से, प्रहलाद जी से, नारायण भगवान से, तो अवश्य ही आपके घर से बीमारियां धीरे धीरे निकल जाएंगे। तो जिनके घर में बीमारियां हैं उन्हें ये उपाय अवश्य करना चाहिए।